गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुनीश रूडी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपन जेई नीति में बॉन्डिंग सेकंड की बात कर रहे हैं, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो बॉन्डिंग फर्स्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपन ने ले लिए थे, फिर भी अब कुछ रिमेनिंग, कुछ ऐसा पोर्शन जहां से लॉजिकल क्वेश्चन रह गया हो, और वो अपन इसमें उनके लिए बात करते हैं। पहली बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है SF4 इज पोलर एंड नॉन रिएक्टिव। बेटा जी, पहली बात आ जाती है, ये बात तो इसके सही है कि ये कैसा है, पोलर है, जबकि ये बात करें ये कैसा है, नॉन रिएक्टिव है। ऐसी बात नहीं है, जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, नॉन पोलर के कंपेयर में। जैसे आप अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, C6H6 के कंपेयर में। ये क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑर्गेनिक बेंजीन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, रीजन क्या है, इसमें क्या होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं, इसमें नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। जिनमें पोलर बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपेयर में, नॉन पोलर बॉन्ड के कंपेयर में। वैसे ही अपन बात करें कि पोलर जो कंपाउंड होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, नॉन पोलर के कंपेयर में। दूसरी बात ये जरूर याद रखनी है कि बॉन्ड की पोलरिटी हमेशा किससे दी जाती है, डेल्टा EN से दी जाती है, जबकि कंपाउंड की पोलरिटी वो किससे दी जाती है, डायपोल मोमेंट से दी जाती है, द्विध्रुवा गुण से दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट अपना कैसा हो गया सर, रॉन्ग हो गया। आप देखोगे इसमें जैसे सर ने कहा कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब आप कहोगे कि जब इसमें पोलरिटी आएगी तो इंपोर्टेंट कहेगा हो गया, लेकिन आप एक चीज देखो, दोनों के दोनों नॉन पोलर है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें दोनों प्लेनर और नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी ये मोर रिएक्टिव है। तो सर ने बता दिया कि जैसे कि बोरोन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो गए, क्यों सर? बिल्कुल सर। सेकंड बात करते हैं, SF6 इज नॉन पोलर, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इसका सही है, एंड वेरी रिएक्टिव। ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया आगे का, इसके में भी आगे का स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया कि ये SF6 वेरी रिएक्टिव नहीं, लेस रिएक्टिव है क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड है। बताएं सर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो आप, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है कैसे निकालते हैं। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये तो एक ही प्लेन में आ गए, ये प्लेन के नीचे हो गया और एक प्लेन के ऊपर आ गया, तो एक्चुअल सिमेट्रिकल शेप इसकी बन रही है जिसके अंदर साइड एटम सारे सेम है। म्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, म्यू इसका जीरो हो गया, तो नॉन पोलर हो गया, तो ये आपका रिएक्टिव भी कम हो गया, कम हो। SF6 इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट। बेटा जी कंप्लीट इसका बात करें तो इसमें कोई लोन पेड नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी लेस होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्लोटिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। बिल्कुल, ये चीज आप यहाँ से समझ सकते हो, आपने पहले ही बात कर ली कि ये आपका कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो रिएक्टिव है ही नहीं, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पर तो ये काम करेगा। अब ये रिएक्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, SF इज प्रिपेयर्ड बाय फ्लोटिंग ऑफ SCl2 विद NaF। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं अपन तो किसका फॉर्मेशन होता है, SF4 का फॉर्मेशन होता है। ये थोड़ी रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, वैसे तो ये ब्लॉक केमिस्ट्री में आपके सामने आ देखो है। इसमें सिंपल सा चीज है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, फिर आप सोचोगे कि ये +2 से +4 में कैसे चला गया, तो आपको पता है क्लोरीन के बजाय जो फ्लोरीन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो जब भी कोई एलिमेंट होता है या फिर मेटल्स होती है अपनी हाईली ऑक्सीडेशन स्टेज में जाएंगे या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, क्यों सर? तो यहाँ पे ये +2 से +4 में चला जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा अपना, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। जी सर, विच हैव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। बेटा वैसे तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आप तो एक चीज याद रखें, सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है, सेकंड ग्रुप के सल्फेट के लिए काफी बार बात कर चुके हैं, सेकंड ग्रुप सल्फेट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है। एक छोटा सा यहाँ मैं बात करता हूँ, दो एनर्जी होती है, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है और एक लैटिस एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ दो बार लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ आपको भी पता लगेगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किसके कंपेयर में, लैटिस एनर्जी कंपेयर में, तो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल सर सॉल्युबल होगा, क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी, इनसॉल्युबल होगा। और दोनों ही एनर्जी सेम फैक्टर पर डिपेंड करती है सर। जैसे हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, Q/R के। ऐसे ही लैटिस एनर्जी की अगर बात करें तो अपन बोलते हैं Q1Q2/RA+RC। ये RA+RC अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी लिखी हुई मिल सकती है आपको, क्या लिखी हुई मिल सकती है, बॉन्ड लेंथ। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिटी होती है और आपकी ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, बस इसी वजह से
दोनों में डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग आने वाला है। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो इसमें आप यूं समझ सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा बेरिलियम सल्फेट आपका मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और आपका आ गया बेरियम सल्फेट। अब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो देखो चार्ज सेम है, एनायन की साइज सेम है, कैटायन का चार्ज भी सेम है, लेकिन कैटायन की साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होता है तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अभी सर ने जैसे कि बताया कि आपके हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी में क्या फर्क है, एक तो आपकी अडेक्टिव है और एक आपकी मल्टीपल होती है, तो इस वजह से क्या होगा नीचे की तरफ जाएंगे ना तो हाइड्रेशन एनर्जी रेपिडली डिक्रीज होगा और लैटिस एनर्जी वो स्लाइटली डिक्रीज होगा। तो इनिशियली क्या होता है यहां पर इन दो की बात करें, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी, तो सिर्फ ये दो ही सोल्यूबल है। आगे जाओगे तो इनमें क्या हो जाता है कि लैटिस एनर्जी कम डिक्रीज हो रही थी लेकिन ये रेपिडली डिक्रीज हो गई तो ये डेटा कम हो गया। ऐसे में हाइड्रेशन एनर्री से आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा जाएगी तो इस वजह से ये इनसोल्यूबल है ये सोल्यूबल है। फिर भी देखा जाए तो डिफरेंस देखा जाए तो कंटिन्यूसली लैटिस एनर्जी बढ़ रही है इसलिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल ये है लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं तो अपने पास अब कौन बच गया MgSO4 बच गया। यहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सर, ऑप्शन देके पूछ लेता है कि किसके लिए यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो बात वो ही पूछना चाह रहा था। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। जी सर बिल्कुल, एक ही बात है दोनों चीजें। बिल्कुल सर। अब क्या क्या चीज कर रहा है इसमें, विद इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर अपन बात कर चुके हैं पहले पिछली बार क्लासों में, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के और इनवर्स होता है किसके, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये कह रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है जब क्या, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब बॉन्ड वहां पर ज्यादा कैपेबल है उसकी ज्यादा है, तो ये बात सही है सर। विद इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, मतलब आपको ये ध्यान रखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, ठीक है एक्सटेंड क्वांटिटी ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा ये एक ओवरलैपिंग ये हो रही है, एक ओवरलैपिंग ये हो रही है, बिल्कुल ये ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किसके कंपेयर में, इसके कंपैरिजन में। तो आप ये ध्यान रखना ऑर्बिटल जो स्मॉल होता है ना वहां पर ओवरलैपिंग की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है। विद डिक्रीज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, अपन पहले बैकबॉन्डिंग में बात कर चुके हैं कि 2p2p ओवरलैपिंग सबसे अच्छी ओवरलैपिंग थी। जी बिल्कुल सर। उसके बाद है 2p 2p पाई, 3d पाई थी। जी सर। उसके बाद है 2p पाई एंड अपन ने बोला था 3p पाई, ये ओवरलैपिंग अपने पास आती है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, रीज होती जाएगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। उस हिसाब से तो सर ऑल ऑफ दीज आ जाएगी। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल सर, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, N2H4 इज पिरामिडल अबाउट ईच नाइट्रोजन, बताएं सर। तो यहां पे देखो N2H4 को पिरामिडल है क्या दोनों नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर बना के देखो आप ऐसे, तो आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी बनाने को तो मैंने इनको ऐसी बना दी, क्या ये ऐसी होती है स्ट्रक्चर। तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन हो गए, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पड़ा है, एक इसके पास पड़ा है, तो 1, 2, 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है एक लोन पेयर आता है और 3 सिग्मा आते हैं तो पिरामिडल शेप होता है, तो इसकी एक्चुअल शेप बनाना चाहिए ना तो वो पिरामिडल टाइप की होगी, और इसका भी फिर आपका आगे वाला भी sp3 ये भी पिरामिडल हो जाएगा, तो ये बात तो बिल्कुल सर करेक्ट है। नेक्स्ट अपन चले NH2 पिरामिडल है अबाउट द नाइट्रोजन, ये कह रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन तो पिरामिडल है और ऑक्सीजन आपका कैसे है, बेंड है, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, तो ये है आपका NH2OH, तो हाइब्रिडाइजेशन मेजर करना सबको आता है, 5, 2, 7, 8 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा, कंडीशन वही 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो यहाँ पे वही कंडीशन आ गई HHOS ये लोन पेयर, तो ये पिरामिडल हो गया। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में भी हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे साइड आइटम नहीं है, ये भी सेंट्रल आइटम है एक तरीके से, तो इसके बाद देखें तो 2 लोन पेयर है 2 सिग्मा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर 2 सिग्मा होते हैं, इसका मतलब वो बेंड हो गया। बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट हो गया। इसी प्रकार अपन CH3CO में देखें, इसमें देखते हैं CH3CO Cl, Cl,
तो एसिल क्लोराइड आपका देखा जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप ये मत देखो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 2 3 सिग्मा है, तो मतलब sp2 लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब ये ट्राइगोनल है, इनर ट्राइगोनल आ जाएगी, तो ये ट्राइगोनल में आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। बिल्कुल सर। तो सिलेक्ट द करेक्ट वन, सर करेक्ट पूछा है तो तीनों करेक्ट है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलिमेंट ए हैज मैक्सिमम पी करेक्टर व्हेन बॉन्ड एंगल इज, बेटा जी अपन बात करें पी करेक्टर की, मैक्सिमम बात करें, अगर देखो बेटा ड्रैगर रूल आता है वो कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो जो बॉन्ड बनते हैं वो, सॉरी जो बॉन्ड बनते हैं वो किससे, प्योर पी से बने, ऑर्बिटल से बने। अगर दो लोन पेयर इसने रिप्रेजेंट कर रखे हैं और दो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बिल्कुल तो सर, जब कब बने, अगर प्योर पी से बनते हैं तो उनके बीच में एंगल नियर बाई 90 के आसपास है, तो मिनिमम एंगल होगा, एंगल कम होगा तो पी करेक्टर ज्यादा होंगे, तो मिनिमम एंगल यहाँ पर कहाँ पर है, फर्स्ट में है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आपको यहाँ पे ड्रैगर रूल याद रखना है, कहने का मतलब ड्रैगर रूल क्या बोलता है, अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या हायर पीरियड से बिलोंग करता है और साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपकी अगर 2.1 है या लेस देन 2.1 है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और जो सेंट्रल एटम है उसके प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और आपको पता है पी ऑर्बिटल्स के बीच अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो तो 90 का एंगल होता है, तो जो बॉन्ड एंगल आने वाले वो 90 के नियर बाई आएंगे, क्यों सर? तो जैसे कि सर ने बताया आपका फर्स्ट आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी सर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन फॉलोइंग कंपाउंड, वो पीछे वाले पे आ गया सर, सेम बात है। देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो बात करें ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, अब ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये फोर्थ से और ये फिफ्थ से, और साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो ड्रैगर रूल तो ये कहता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, फिर भी अपने इसमें बोल देते हैं sp3 पे कि एक्चुअली देखा जाए तो इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो इनके बॉन्ड एंगल 90 के नियर बाई होंगे, और जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बॉन्ड एंगल भी कम होते जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल इधर लगातार कम हो रहा है, तो ये तो 1.4 के अप्रोक्स आता है, और ये आपका फिर वही 9.4, 9.3, 9.2 के अप्रोक्स है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा जी, जैसे अगर ऑप्शन में आपको ड्रैगर रूल के बारे में बात की हुई तो पहले अपने को सही किसको बताना है, ड्रैगर रूल को बताना है, अगर ड्रैगर रूल नहीं दे रखा है तो अपने को किसकी बात करनी है, ईएन की बात, ईएन की बात, ईएन के लिए क्या बात कर देनी है, अगर सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर हो और एक ग्रुप में लेटरल एटम सेम चल रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम की ईएन क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे आपके लिए बात करें NF3 या PF3, ऐसे बातें करें, बिल्कुल सर, NF3, PF3, ASF3 ऐसे बात करें तो इनमें अपन कहेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्रैगर रूल तो लगेगा ही नहीं क्योंकि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो चुकी है, तो जैसे कि सर ने कहा बॉन्ड एंगल है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सेंट्रल एटम, क्यों सर? नेक्स्ट चलें जी सर, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 d, the length of the HCl bond is 1.275 angstrom, the percentage of ionic character is HCl, बेटा इसका एक फॉर्मूला सर बताएंगे, परसेंट आयनिक करेक्टर आपको निकालने हो तो आप इसके लिए म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू 30 इनटू मल्टीप्लाई 100, इसमें हमेशा ध्यान रखो म्यू जो दिया हुआ होता है वो हमेशा ऑब्जर्व होता है और उसको डेप भाई को आपको चेंज कर लेना है ईएसी इनटू सेंटीमीटर, बिल्कुल सर, तो अपना ये हो गया 1.03 डेप भाई, तो इसको ईएसी इनटू सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे इनटू 10 की पावर माइनस 18 कर दो, फिर उसके बाद में थ्योरेटिकल निकाला तो थ्योरेटिकल क्या होता है क्यू इंटू डी, तो क्यू टू ईएसी में लेना है तो क्या हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, फिर आपका जो बॉन्ड लेंथ है क्यू इंटू डी, डी बोले तो बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में दी है अपने को लेनी है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 100, आप सॉल्व कर लो ये नियर बाय 16.68 के समथिंग आएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा 17, हार्ड अपन कर देते हैं, इजी ये कर लेंगे जी सर, हाँ हार्ड वाला हम कर ही देते हैं सर। नेक्स्ट चलें सर, बिल्कुल सर जी सर, boiling point of para-nitrophenol is greater than that of the ortho-nitrophenol, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है सर, बिल्कुल सर, जब भी boiling point की बात आती है तो सबसे पहले आप किसको ढूंढोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ढूंढोगे, तो ortho-nitrophenol और para-nitrophenol की अपन अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये होता है ortho-nitrophenol,
और ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होगा बेटा जी, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और इसमें क्या होगा इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जिनमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में कम होते हैं। यहाँ पे सर मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर का मतलब एक से अधिक मोलिक्यूल के बीच है या इंटर का है। इसके लिए ध्यान रखने के लिए ए है लास्ट में। जी सर। ए पहले नंबर का अल्फाबेटिक है, मतलब एक में, एक में एक ही मॉलिक्यूल में अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो कौन सी होगी, इंट्रा होगी। इंट्रा। और एक टू और मोर देन टू में आती है तो वो कैसे होगी, इंटर मॉलिक्यूलर होगी। कौन सी होगी, इंटर मॉलिक्यूलर। तो देखो जैसे कि सर ने बताया कि इंट्रा होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर होगा यहाँ एथोन बनेगा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिस वजह से इसमें थोड़ा स्ट्रेन आ गया और यहाँ से यह क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जिसके पोर्स है वो कमजोर होंगे और आपका बॉइलिंग पॉइंट इनका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है इनकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, जबकि यहां पर देखा जाए तो मोर देन वन मॉलिक्यूल्स में होगा, यहाँ का मतलब एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन का हो रहा है मतलब कई मॉलिक्यूल्स एक जगह जुड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका बीपी बढ़ने वाला है, और बीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। इसमें आंसर आ जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस इन पैरा नाइट्रोफिनोल, आंसर आ जाएगा थर्ड। जी सर। नेक्स्ट एक बात और बता दें आपको, ये ऑर्थो में तो बच्चों को पता है सर, बिल्कुल सर, पैरा में बच्चों को याद रहता है, पर कई बार क्या करता है वो किसके लिए बात कर लेता है, वो मेटा के लिए बात कर लेता है। बिल्कुल सर। तो मेटा की अगर बात की जाए तो मेटा में भी कौन सा मिलेगा, मेटा में भी अपने को इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। कहने की बात ये है बेटा जी, अगर 60 डिग्री एंगल पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सिर्फ इंट्रा बनाएगा, और बाकी 120 और 180 पर जब भी आएंगे वो कैसे बनाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एच बॉन्डिंग हो रही है तो मतलब कि उस रिंग के अंदर मैक्सिमम 6 एलिमेंट होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों सर? बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे मेटा वाले से बनाएगा तो मेरे हिसाब से 8 के आसपास मेंबर हो जाएंगे तो वो नहीं करेगी, ऐसे में आपका इंटर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट चलिए सर। बिल्कुल सर। जी सर। इन विच स्पीसीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट एग्जिस्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो इनमें इनकी स्ट्रक्चर देखो आप, ये बने हुए कैसे हैं, ये H2O और आपका OH माइनस, तो आपको पता है H2O में H बॉन्ड होता है, सोचना ही नहीं है। इसके बाद में बात करें तो N मॉलिक्यूल H2O के, ये तो ऑलरेडी खुद कह रहा है कि N मॉलिक्यूल एक जगह आ रहे हैं, इसका मतलब कब आएंगे ये, खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल इनके पास आपस में H बॉन्डिंग होने वाली है तभी तो आएंगे ना। बिल्कुल सर। फिर इसके बाद में बात करें तो ये आपका आ गया H3O प्लस और H2O, तो इसमें तो H बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर तो कुछ ऐसा हो गया इसके साथ। क्यों सर? तो ये तो एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन H2O तो इसके साथ है ना, ये एच बॉन्डिंग करेगा, इसका मतलब ये आ गया आपका आंसर H3O प्लस, इसमें एच बॉन्डिंग नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सर पढ़िए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, तो आपको पता है कि जो नोडल प्लेन होता है वहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। और कैसे पता चलता है, एजमेथल क्वांटम नंबर से। एस के एजमेथल क्वांटम नंबर जीरो तो मतलब नोडल प्लेन जीरो, पी की वन तो नोडल प्लेन वन, डी की आपकी टू तो नोडल प्लेन टू, बस वो डीजेड स्क्वायर का आप बोल सकते हैं कि उसमें प्लेन ना होकर सरफेस होते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। तो हो गया ये क्वेश्चन, तो इसमें कोई ज्यादा है। जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं N2 एंड C2 मॉलिक्यूल कंटेन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बेटा जी MOT से आप देखोगे तो N2 जो है, N2 क्या रखता है, दो पाई और एक सिग्मा रखता है, जबकि C2 के लिए बात की जाए तो ये दोनों के दोनों क्या रखता है, पाई। आप इसका एनर्जी डायग्राम बनाओगे उसमें आपको वो पता लग जाएगा। दूसरी एक बात और याद रखें, VBT किसके बारे में नहीं बताती, VBT C2 के बारे में नहीं बताती, VBT कहती है कि C2 बनता ही नहीं है। VBT का कहना ये है कि पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद में उसके बाद पाई बनेगा, मतलब कि VBT ये कहती है कि फ्रीली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बाकी इनमें आप सीधा सा MOT बना करके भी देख सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s हो गया 2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा 2s स्टार 2, फिर आपका आ जाएगा पाई 2px पाई 2py, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया C2 का। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लास्ट के चार इलेक्ट्रॉन देखो इसके पाई में ही है, तो दो बॉन्ड है, दोनों के दोनों ही किसकी वजह से, पाई से। तो आप पीछे से इसे काउंट करते हुए भी आते हो, वो MOT डायग्राम आपको नहीं आते हैं तो क्यों सर? तो यहाँ पे इसमें तो दोनों पाई है,
इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, क्योंकि इसका भी आप देख लो आगे, अगर एन टू होता तो सिग्मा टू पी जेड, तो ये तो बनाता सिग्मा, तो एक तो हो गया सिग्मा और ये दो हो गए पाई, तो ये तो हो गया सर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस वन इन एक्वस मीडियम। बेटा जी एक्वस मीडियम की जब भी बात आ जाए आपको क्या लेकर आना है, हाइड्रेशन एनर्जी लेकर आनी है, और हाइड्रेशन एनर्जी अपने को पता है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्यू बाई आर के। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा रेडियस कम होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो कॉपर प्लस टू एक्वस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, कॉपर प्लस वन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस पर देखो ध्यान दो, अगर गैसेज मीडियम में पूछे तो कॉन्फिगरेशन की वजह से कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है, अगर आपको एक्वस मीडियम में पूछे, जैसे ही आप इसको एक्वस में मिलाओगे कुछ एक मॉलिक्यूल आपके कॉपर प्लस टू में जाएंगे, तो कॉपर प्लस टू की लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो जितने भी प्लस है सबको किस में ले आएगा, प्लस टू में। तो एक्वस मीडियम में प्लस टू के ज्यादा स्टेबल होने का रीजन होगा लैटिस एनर्जी, गैसेज में ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और अगर यही बात आपके पूछ ले सॉलिड स्टेट में तो भी ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन वहां रीजन आपका फिर लैटिस एनर्जी बन जाएगा, क्यों सर। और ऐसा ही आप AU प्लस और AU प्लस 3 के लिए देख सकते हो, गैसेज में ये ज्यादा स्टेबल है, एक्वस में ये ज्यादा स्टेबल है, रीजन है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, सॉलिड में भी कंपाउंड में ये ज्यादा स्टेबल है, रीजन हो जाएगा आपका लैटिस एनर्जी, क्यों सर। तो आपका यहाँ पे आंसर इसमें देखा जाए और देखेंगे तो ये भी सर ये करेक्ट है, करेक्ट हो गया ये तो इनकरेक्ट पूछा था पहले, तो इनकरेक्ट हो गया सर पहले, इनकरेक्ट हाँ क्योंकि इसमें ये बोल दिया ना, और इनकरेक्ट अपने को यहाँ पे पूछा है वो आप वाला आप भूल गए उसको। द इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी ऑफ मेटल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये तो सर गलत बात हो गई बिल्कुल सर, क्योंकि मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग किससे होती है, इसी से तो होती है, अपन क्या कहते हैं कि ये मेटल है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली इसके चारों तरफ मूव हो रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में लड्डू से डूबे हो भाई, ये तो कर्नेल फॉर्म होती है, ये आपके कर्नेल हो गए, और इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसी वजह से तो इनमें कंडक्टिविटी आती है, बिल्कुल सर। तो इससे तो ये समझाते हैं ये चीज, तो ये कौन सा अपना, ये भी गलत हो गया सर, मेरा आंसर तो फोर्थ आ गया, थर्ड हो गया तो मतलब फोर्थ आ जाएगा जी सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम वैलेंस कोवैलेंसी इज इक्वल टू होता है सर, मैक्सिमम कोवैलेंसी की अगर बात करें तो पी ब्लॉक वाले भी ये ध्यान रखो आउटर मोस्ट सेल में कितना एस इलेक्ट्रॉन है और कितना पी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी होता है, तो वहां एक्साइटेशन करके वो मैक्सिमम वैलेंसी दे सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन आप इसमें सेकंड पीरियड का एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो इसमें ये आ जाएगा नाइट्रोजन एंड बोरिंग बोल दिया जी सर, तो ये इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ अनपेड एस एंड पी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, तो ये आपके क्या इसको शो कर देंगे मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर को, होने को तो ये सेम सा ही लग रहा है, लेकिन ये एस और पी, अब ऐसे में एस और पी तो और भी है इनर में भी है ठीक है, लेकिन वो आउटर मोस्ट सेल वाले कोवेलेंसी को शो करते हैं, क्यों सर और आंसर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोस्ट लिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन, बताइए सर। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देखो, जो ये जिसके साथ आप ये कंपाउंड बना रहे हो उनमें ये आपका कैसा है, सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड वाले हमेशा ऑक्टेट कंसीडर करते हुए चलेंगे, सेकंड पीरियड वालों के पास आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास वैकेंट और सेकंड पीरियड में, अगर सेकंड शेल में अगर बात करें तो चार ही ऑर्बिटल होते हैं जी सर, चार ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, आठ ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है, अगर आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को आगे मूव करवाना चाहे तो ये आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी शो होती है। यहाँ पे आप देखो 4, 4, 8 और ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी स्ट्रक्चर, वैसे इसके पास भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑक्टेट रूल से देख लो आप सीधा सर। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन, इथीन बात करें कि ये डबल बॉन्ड जो है इसका नोडल प्लेन कहाँ होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन बता के गए बिल्कुल सर, और मॉलिक्यूलर प्लेन को क्या बोलते हो हिंदी में, आणविक तल बोलते हो, तो आंसर अपना आ जाएगा, मतलब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसका डिस्कशन अपन पहले कर चुके, जैसे अपन बात करेंगे ये सिग्मा बॉन्ड बना मान जी, इससे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जी, अब अपने को पाई बॉन्ड बनेगा वो कहां आएगा, एक ऊपर से आएगा ऑर्बिटल बिल्कुल यहां से आएगा, तो ऐसे जो ये जो पाई बॉन्ड बन चुका है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे आ गई, और ये जो बीच में स्पेस रह गया ये क्या चीज है,
नोडल प्लेन है, किसका? पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का, जो कहां बना हुआ है, जहां पर ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वहीं पर, जिसको अपन मेन एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, उसी क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं। सर फर्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। बिल्कुल सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमोस्ट द फॉलोइंग, निम्न में से न्यूनतम स्थायी आयन को पहचान कीजिए, बताएं सर। बिल्कुल सर, इनके जेई का क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ पे देखना है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है तो 2s2 स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है ना, सेल कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है। यहाँ पे ये 2s2 है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाते हो तो ये आपका क्या बन गया, 2s2 2p1। इसका मतलब है ये यहाँ पे ना तो पहले तो वैकेंट पड़ा था, अब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हो, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, नया सब सेल स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अपने को एनर्जी अंदर देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। फिर यहाँ पे बात करें तो इसका B1 था, 2B P1 है, अब ये 2P2 हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेल ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, ना तो ये स्टेबल था ना ये। हालांकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन देते हो तो आपका P3 की ओर जाने के लिए ये करेगा, और वैसे इसकी बात करें तो P2 से ये तो आपका P3 बन रहा है, ये तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ये ही है जो डिस्टेबिलिटी की ओर जाएगा, इसका मतलब ये सेकंड आंसर अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इन द गिवन मॉलिक्यूल चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द देयर एंगल, बताएं सर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जैसे भी आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन पूछते हैं जनरली अपन इनको बेंड रूल से करते हैं, लेकिन आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे आप आराम से निकाल लो। आपको पता है पाई बॉन्ड ज्यादा स्पेस कवर करता है तो रिपल्सन भी ज्यादा क्रिएट करेगा, तो ये दोनों रिपल्सन ज्यादा होंगे कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा, तो सबसे स्मॉल तो अपना जेड हो गया, इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में बात करें, ये थोड़ा बल्कि मॉलिक्यूल है तो यहां पर क्या हो गया, बल्कि मतलब बड़ा है तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा आने वाला है, इस ये स्मॉल है तो यहां के कंपैरिजन में। बिल्कुल सर। तो इनमें से आपका कौन आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा और सबसे बड़ा एक्स आ जाएगा, तो अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। बिल्कुल सर। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यहां पे मेन एक्सिस एक्स एक्सिस को दे दिया है, बाकी एमओटी जनरली मेन एक्सिस जेड को लेकर चलती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ लो, पहले ये ध्यान रखेंगे एक्सिस कौन सी दे रखी है। Then the correct combination is, अब correct combination अपने को देखना है, तो x axis आपकी main axis है और आपको dxy बनाना है, तो आप बना के देख लो, ये x है और ये y, तो ये dxy हो गया। दूसरा आपको कौन सा बना रहा है, xz बना रहा है, तो आ जाओ ये x हो गया और ये z हो गया, तो x axis main axis है, मतलब x axis के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग होनी है, तो यहां पे आपका पाई बॉन्ड बनने वाला है। और अगले ने बोल दिया कि डेल्टा, तो इसके तो मैं आगे बात ही नहीं करूंगा फिर नोडल प्लेन, क्योंकि पहला ही आपका रॉन्ग हो चुका है। आगे अगर अपन चले तो ये तो रॉन्ग है, अब आ जाओ इसमें, अब अपन वही सिंपल सी चीज, मैं इसको वाई मान लेता हूं और ये जेड मान लेता हूं, तो ये हो गया dyz, क्यों सर। बिल्कुल। फिर ऐसा ही dyz सेम पैटर्न होगा, एक्स एक्सिस ये हो गई, तो वो dyz इसके ऊपर आएगा, देखो आप इसको यूं समझो, ये वाई और ये जेड, ये हो गया, तो इसकी x एक्सिस ये है, इसकी x ये, और ओवरलैपिंग कहां हो रही है, x एक्सिस मेन एक्सिस कंसीडर कर रहा है, मतलब इसको ऊपर लाना पड़ेगा क्योंकि इसका x एक्सिस ये है और उसको ऊपर से ओवरलैपिंग करवाओ, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी चारों लोब ओवरलैपिंग हो जाएंगी, और जब भी d की चारों लोब ओवरलैपिंग करती है तो अपना डेल्टा बॉन्ड बनता है, तो बिल्कुल यहां पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन बनने वाला है। अब आगे अपने को देख ले नोडल प्लेन, तो यहां पे एक सिंपल सी ट्रिक रखो, इनमें से कौन सा डिसअपीयर है, x डिसअपीयर है, तो x बना लो दो बार, क्योंकि डी में दो नोडल प्लेन होते हैं, अब दोनों के साथ जो एक्सिस बच गई वो जोड़ दो, तो एक्स वाई और एक्स जेड आपके नोडल प्लेन आ गए, तो सही है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर सेकंड हो जाएगा। वैसे यहां पे अगर देखोगे, यहां पे आप करके देखना पाई बॉन्ड बनने वाले, आप खुद करके देखो, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, यहां पे आपका कौन सा बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, और यहां पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और यहां पे ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनने वाले, क्यों सर। नेक्स्ट बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन NH3 डिसॉल्व इन वाटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन व्हाई, ये कह रहा है कि अमोनिया हाइड्रोजन H2 में डिसॉल्व होती है तो H बॉन्ड बनेगा, तो कौन सा H बॉन्ड है जो मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा बनेगा जिस वजह से ये सोल्युबल है, तो हमेशा ध्यान रखो अपन क्या कहते हैं, यहां पे ये कह रहा है कि ये बनेगा तब ये ज्यादा सोल्युबल है इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट कंपेयर टू इसको एक तो ठीक कर लेना आपका, ये हाइड्रोजन यहां ना होके यहां पर, तो यहां पे दोनों में एक चीज देखो,
यहां पर जो एच बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ हो रही है, यहां एच बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ हो रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखो वो एच बॉन्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके, देखो एच बॉन्डिंग कब होती है जब हाइड्रोजन अपने से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ हो। तो यहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से और फिर एच बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और एच बॉन्डिंग कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो एच बॉन्डिंग यहां से नहीं देखना, आप यहां से देखो किसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो आपकी यहां आ गई, इसका मतलब ये वाला एच बॉन्ड कंपेयर टू इसके ज्यादा स्टेबल होने वाला है, तो ज्यादा सोल्युबल उस एच बॉन्ड की वजह से है ना कि इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग इनकरेक्ट हो गया। आगे देखें सेकंड है ओ एच बॉन्ड पोलैरिटी इज मोर कंपेयर टू दैट एन, बिल्कुल ये सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो पोलैरिटी यहां ज्यादा आने वाली है, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन यहां पे सर मेरे हिसाब से पूरे ये इधर आ गया आपका, फर्स्ट आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया, फर्स्ट आपका फॉल्स हो गया और सेकंड आपका ट्रू हो गया, तो फोर्थ आंसर हां जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट लेट्स नेक्स्ट देखते द हाईएस्ट एचसीएच बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन, बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उससे पहले अपन एक बात करते हैं, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लैटरल एटम सेम हो, तो सभी बॉन्ड एंगल अपने को सेम मिलते हैं। जैसे अपन ने CH4 में देखा तो यहाँ सारे बॉन्ड एंगल अपने को कितने मिलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के मिलेंगे, और कितने मिलेंगे ये जरूर याद रखना अपने को 66 बॉन्ड एंगल मिलेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनमें बात करें या तो अपन इनको EN फैक्टर से कर सकते हैं या बैंक रूल से कर सकते हैं। EN फैक्टर से अगर अपन करें तो यहाँ एच है, बिल्कुल यहाँ एच है, यहाँ फ्लोरिन है, यहाँ फ्लोरिन, तो ये फ्लोरिन नीचे की ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ओर रहेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल के इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ऋणात्मक रूप में किसके इसके इसके, और ये बॉन्ड एंगल मोर देन बिल्कुल ये इनके कंपैरिजन में ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से थोड़ा बढ़ जबकि ये लेस देन 109 हो जाएगा। बिल्कुल सर 109 डिग्री ठीक है। अब बात की है इसने हाईएस्ट एचसीएच बॉन्ड एंगल बात की है, इसमें बात करें अपन सी एच 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 सी एल, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेंट रूल से भी कर सकते हैं, ये साइज में बड़ा है तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा लगेगा, ये रिपल्शन लगेगा तो ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये कंप्रेस डिक्रीज हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। इसमें अपन बात करें तो यहाँ खींचने वाले कितने हो गए अपने पास, यहाँ खींचने वाले अपने पास एक है देने वाले तीन है, तो यहाँ पर थोड़े कम खींचेंगे तो यहाँ रिपल्शन थोड़ा कम होगा जी सर, तो ये ज्यादा कम नहीं होगा, तो ये ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज ना होगा यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब ये तो फिक्स हो गया, ये कम हो जाएगा 109 से भी 109 से इनमें 109 से सी एच एच इंक्रीज तो होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम इंक्रीज होगा। अच्छा तो बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो गया बिल्कुल। तो जैसा कि अपन ने पहले सीधे ट्रिक से कर लिया था, बेंड रूल आपको सर समझा चुके हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, बेंड रूल से अप्लाई कर सकते हो आप एस करेक्टर पी करेक्टर से उससे भी कर सकते हो जी। नेक्स्ट बात करें सर जी, व्हिच इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बच्चों ने काफी बार किया है। आप यहाँ पे देखो इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर आपके पास दो आ गए और सिग्मा आपके पास चार आ गए, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ आने वाली है, यहाँ तो फ्लोरीन फ्लोरीन हो गए। अब ये लोन पेयर नीचे की तरफ कंप्रेस करता है लेकिन नीचे भी लोन पेयर है, तो वापस से ये आपका कैसा हो गया प्लेनर हो चुका है, तो ये इसके लिए तो H=0। और जैसा कि सर ने कहा ये तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल हो गया, 120 के एंगल है, साइड इसके स्ट्रक्चर अगर बनाए बिल्कुल सर आई सी एल सी एल सी एल आई, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपने को मिलेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां से यहां तक को बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पर क्या पड़ा है एक लोन पेयर है अपने पास, यहां भी क्या है लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर प्लेन के ऊपर और नीचे रहेंगे तो सारे एटम है एक प्लेन में पड़े रहेंगे, तो कैसे आएगी प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है दोनों में और दोनों में वही दो लोन पेयर आने से प्लेनर ये बन चुके हैं। यहां भी व्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बाकी आपने सर शायद इसकी डिस्क्राइब भी बात नीट के लिए जो गुरु नीति बनाई थी आपने इसका पूरा डिस्कशन वहां किया है, डिस्कस किया, तो आप केमिकल बॉन्डिंग वहां से देख सकते हो, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है नीट जेई की बॉन्डिंग में। यहां बात करें अपन पी बैंड ने क्या बोला, बैंड ने बोला हाई एन वाले को अपर और फ्लोर में रखते हैं सर, तो यहाँ पर फ्लोरिन आ गया, फ्लोरिन आ गया, ये फ्लोरिन आ गया, ये क्लोरिन आ गया और ये क्लोरिन आ गया, बिल्कुल ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं मान लो, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ म्यू नॉट बी
जीरो होगा तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, पॉलर कंपाउंड कौन सा मिलेगा, PCl2। आप हमेशा इसमें ध्यान रखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रिपल्सन कम क्रिएट हो, इस वजह से वो एक्सियल पोजीशन पे रखे जाते हैं। बिल्कुल। अब कई क्या कर लेते हैं कि अच्छा तीन क्लोरीन है, अपनी मर्जी से तीन यहाँ रख देते हैं और दो क्लोरीन ऐसे कैंसिल कर देते हैं और फिर बोनस की उम्मीद में बैठे रहते हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो अपना फोर्थ आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट देखें सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बात करें, बताएं सर। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना है, मोनोमर की बात कर रहा है, डाइमर बना नहीं रहा है, तो सारे के सारे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, सबको स्ट्रक्चर बनानी आती है। इसकी अगर बात करें तो आपकी इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी जिसमें पी पाई बैकबोन यहाँ बन जाना होता है, इसके पास लोन पेयर हो गया तो कोऑर्डिनेट आ गया। इसकी स्ट्रक्चर की ना तो मैं बनाऊंगा ना मैं बात करूंगा, क्योंकि इतना आपको पता है जब आप जे की तैयारी के लिए जा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, और जहां कॉम्प्लेक्स आ गया कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, क्योंकि लिगेंड हमेशा सेंटर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट से ही जुड़ता है। रही इसके बाद एजाइड की स्ट्रक्चर अपन बना के देख सकते हैं, एन डबल बॉन्ड और ये आपका तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास अभी कौन सा टाइप का है, पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा सर, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आप याद रखो दो एटम के बीच एक ही बॉन्ड है कोऑर्डिनेट है तो ही सिग्मा है, नहीं तो वो पाई के फॉर्म में आएगा। अगर ये पाई टाइप कोऑर्डिनेट है ये भी पाई टाइप कोऑर्डिनेट जी सर, जबकि इसमें जो Fe और CN के बीच में आएंगे वो सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट है। जी जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ट्राइसिलाइल एमीन, इसकी स्ट्रक्चर अपन क्या बताते हैं, NSi S3 SiS3 SiS3। फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, क्या देखना बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा है 3sp2 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्डिंग गिव ए प्लेन ट्रायगोनल स्ट्रक्चर। इसमें बेटा जी जो लोन पेयर पड़ा है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा, डी वाला, तो क्या बन जाएगा सर, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, कौन सी, पी 2p से 3d की ओर मूव करेगी, क्योंकि इसके पास d वैकेंट है जी, तो बॉन्ड बन जाएगा 2p π 3d π, बैक बॉन्डिंग हो गई सर। ये लोन पेयर जा चुका है, ये लोन पेयर जा चुका है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और स्ट्रक्चर कैसी होगी अपने पास, प्लेनर ट्राइगोनल होगी, sp2 आते ही ट्राइगोनल प्लेनर की ओर स्ट्रक्चर मूव हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर है नहीं। हमेशा ध्यान रखो ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में या फिर बैक बॉन्डिंग में यूज हो जाता है उसको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं। स्टेटमेंट अपना सही हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए सर, इसी के साथ सर यहाँ से एक चीज और पता चल रही है, अगर इसके पास लोन पेयर देने के लिए है ही नहीं तो ये लेविस बेस इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक हो जाएगी। बिल्कुल सर। फिर अगर बात करें यहाँ पे तो ये कह रहे हैं द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई ए पी ऑर्बिटल एट राइट एंगल, बिल्कुल लोन पेयर इसके पी में है और वो sp2 में है, एंगल टू प्लेन ट्राइगोनल एंड ओवरलैप विद पी ऑर्बिटल ऑन ईच सिलिकॉन एटम। नहीं भाई, सिलिकॉन के डी के साथ ओवरलैप हो रहा है। बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका पी है लेकिन इसका डी है, तो ये फॉल्स हो गया सर। तो फॉल्स अपने को पूछा था, एक तो ये आंसर हो गया सर। फिर ये कह रहा है इट इज ए वीकर लेविस बेस, बिल्कुल मैंने अभी कहा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, जैसे कि सर ने कहा बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो डोनेटिंग नेचर कम होगी, किसके कंपैरिजन में, ट्राइमिथाइल, और आपको पता है ट्राइमिथाइल एमीन में लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग के लिए ये भी ध्यान रखें लोन पेयर डोनर और एक्सेप्टर या तो दोनों सेकंड पीरियड के हो या एक सेकंड और थर्ड पीरियड का हो तो ही स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है, नहीं तो नहीं होती। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर देखें ये बिल्कुल इससे उल्टा बोल रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग बता रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट अपने को देखने दे। आंसर आ गया सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। जी सर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसके लिए बात करें 4PS3 का होल थ्राइस SiO का होल ट्वाइस O, SiO Si बॉन्ड एंगल इज 180। काफी अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल सर, इसमें बात करें ये Si और यहां पर तीन फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, PH और इधर भी क्या Si। नॉर्मली क्या होता है बेटा जी, बैकबोन किसी एलिमेंट के पास अगर दो या तीन लोन पे जितने भी पड़े हैं उनमें से एक लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करता, परंतु यहाँ Si के पास, पहले तो Si के पास क्या पड़े हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं सर, और साथ में ही पीएच पड़े, मतलब फेनिल ग्रुप पड़ा है जो काफी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके दोनों ही लोन पे किधर चले जाएंगे, ऐसे बैकबॉन्डिंग हो जाएगी। बोल सर, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो नियर बाई कितना 180 के आसपास हो जाता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लीनियर अपने पास आ जाती है। तो काफी अच्छी चीज थी, इसको खास तौर से आपको ध्यान रखनी है, और अपने को करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था उसी हिसाब से अपना पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो जाएगा।
तो एक तो ये आंसर हो गया, नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं। कह रहा है CH3 का होल थ्राइस SiO नेगेटिव, मतलब ये ब्रेक होगा तो इसमें ब्रेक होगा कौन, CH3 का होल थ्राइस SiOH किसमें ब्रेक हो जाएगा, इसमें ब्रेक होगा, साथ में क्या बनेगा H+ बनेगा। जो सेकंड कह रहा है क्या कि आगे क्या कह रहा है, इस स्ट्रॉन्गर प्रोटोनिक इसी का जो हाई मोर्फ है कार्बन आइसोमोर्फ, कार्बन मतलब ऐसा ही की जगह मैं क्या ले लूं, कार्बन ले लूं, तो क्या बन जाएगा इसमें CH3 का होल थ्राइस कार्बन OH, और यहां पर क्या बनेगा CH3 का होल थ्राइस कार्बन O नेगेटिव प्लस H+ बनेगा। बेटा जी ये मोर स्टेबल होगा किसके कारण, बैक बॉन्डिंग यहां पर डी पाई बैक बॉन्डिंग आ चुकी है क्योंकि इसके पास वैलेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये अच्छा ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। जी सर, ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में बिल्कुल सर, ये ज्यादा बनेगा तो साथ में ज्यादा कौन बनेगा H+ बनेगा, H+ ज्यादा बनेगा तो इसकी एसिडिटी जो जितना ज्यादा H+ रिलीज करे वो ज्यादा एसिडिटी, ये स्टेटमेंट भी अपना सही हो गया सर। ये कह रहा है ट्राइसिलिल फॉस्फाइन इज प्लेनर, तो देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि या तो दोनों सेकंड पीरियड के हों या एक सेकंड एक थर्ड दो, तो यहाँ पे देखो ये भी थर्ड पीरियड से है और ये भी थर्ड पीरियड से, तो लोन पेयर भी है वेकेंट भी है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन अपनी है सेकंड सेकंड या सेकंड थर्ड होना चाहिए, 22 होना चाहिए नहीं तो 23 होना चाहिए, वो कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यहाँ बैकबॉन्डिंग नहीं होगी, और बैकबॉन्डिंग नहीं होगी तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये पिरामिडल होगा न कि प्लेनर, तो ये अपना क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कहने की बात है तीन ही बैकबॉन्डिंग सेप्टेबल है, कौन सी, 2p पाई 3d पाई एंड 2p पाई 3p पाई, ये ही बैक बॉन्डिंग अपन एक्सेप्ट करेंगे, बाकी बैक बॉन्डिंग के लिए अपन बात नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं होती। नेक्स्ट बात करें Cl4 डज नॉट पॉलीमराइज, बिल्कुल सही बात है, इसमें पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है Cl की छोटी साइज होने के कारण, इसलिए इसमें पॉलीमराइजेशन। आप तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ध्यान रखो जिसके पास जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसका पॉलीमराइजेशन कम होता जाएगा, बिल्कुल सर, जैसे Cl- पाई बॉन्ड है ही नहीं तो सबसे ज्यादा पॉलीमराइजेशन, फिर Cl2 में उससे कम, Cl3 में और कम, और यहाँ पर तो तीन तीन पाई बॉन्ड आ गए तो और भी कम हो जाएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा सर, नेक्स्ट लिख व्हिच हैज जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सर, इसकी शेप आ जाएगी अपन पहले कर चुके हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका DSP2 हो चुका है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग पॉसिबल है, इसका म्यू जीरो नहीं होगा, बिल्कुल सर, इसके लिए बात करें इसका म्यू जीरो हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सर, इसका म्यू भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो अपने पास जीरो वाली कौन कौन बचेगी, फर्स्ट हो गया जीरो, थर्ड हो गया जीरो, ये जीरो हो गया, फोर्थ हो गया जीरो, ये हो गया, बिल्कुल सर, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, प्लेनर का मतलब आप बस ये याद रखो, ये सबके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्यों सर, बिल्कुल सर, और यहां पे आपको पता है ये इधर कर देंगे बैलेंस 180, तो अपना आगे चले, बिल्कुल सर। क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट एंड कंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सर बताएं, बिल्कुल काफी अच्छा है, आप तो ये देखना है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो हाइपो, ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर ऑक्टेट से ज्यादा हो जाए मतलब सुपर ऑक्टेट बन जाए उसको बोल देंगे हाइपरवैलेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पांच इसके खुद के और पांच क्लोरीन के साथ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम, तो ये हो गया हाइपरवैलेंट, तो पहला कैसा हो गया हाइपर। इसके पास देखे BeCl2 तो दो इसके कितना हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ही हो पाया सेंट्रल एटम के पास, तो ये हो गया हाइपो, बिल्कुल सर। फिर AlCl3 तो AlCl3 यहां कोई डाइमर नहीं बना रहा है तो तीन इसके 6 ही हो रहे हैं, तो ये हो गया हाइपो। फिर AlF3 ये बड़ा कंफ्यूजन करता है भैया, AlF3 आयनिक है और आयनिक है तो कैसे होगा Al+3 का मतलब 2-8 ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो चुका है F- मतलब 2-8 ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये आएगा ऑक्टेट रूल में, क्यों सर। फिर BF3 ये कोवेलेंट है तो ये आपका 3 और 3 6 ये आएगा हाइपो में, मतलब कि ये ध्यान रखो बोरॉन के ट्राइहैलाइड सारे हाइपोवेलेंट है, डाइमर ये बनाते नहीं है, ये तो बैक बॉन्डिंग की वजह से डाइमर नहीं बना पाता है, और BCl3 BBr3 BI3 वो स्टेरिक इनहेरिटेंस की वजह से नहीं पाता। फिर बात करें SO3 की तो यहां पे देखो अकेला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है 6 और 3 की वजह से 6 आ गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो ये भी आपका कैसा हो गया, हाइपर हो गया, सुपर ऑक्टेट बन चुका है। CO2 ये ऑक्टेट को फॉलो करता है 448। BH3 की बात करें या हाइपो है 6U8। यहां पे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हो चुका है, लेकिन ये एक चीज याद रखो, अगर आपका डाइमर ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से बना है, मतलब थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन से, तो वो कभी भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते। आप कह सकते हो ऑक्टेट रूल ऑलवेज फेल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइमर एंड पॉलीमर बाय ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड, तो आपका इसमें आ जाएगा हाइपोवेलेंट। और ये वाला डाइमर बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और कोऑर्डिनेट से डाइमर बन रहा है, इसका मतलब यहां ऑक्टेट पूरा होने की पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो यहां ऑक्टेट कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब पूरा होने की पॉसिबिलिटी मैंने इसलिए बताया क्योंकि BCl2 जब डाइमर बनाता है ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, लेकिन जब पॉलीमर बनाता है तब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऐसे में जब कोऑर्डिनेट से डाइमर बनता है तो आपको स्ट्रक्चर बना के ही देखना है कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आपका इंटरसेप्शन हो गया। बिल्कुल सर। तो ऑलमोस्ट सर अपने पूरी थ्योरी बाइंड अप कर दी है केमिकल बॉन्डिंग जेई में, अब तक तो इससे ज्यादा पूछा नहीं है मेंस लेवल। हाँ, एडवांस लेवल में कुछ और डेप्थ तक जा सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर करो चीजें। बिल्कुल सर। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं जी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसका शेड्यूल जो भी आपके पास है देख लेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू।